Welcome, my dear students. Good morning, you all. Today, we're going to discuss about the same chapter we have started in previous lecture. है ना, लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था. सो इन दिस चैप्टर हीट एंड इट्स इफेक्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड. व्हाट इज हॉट एंड व्हाट इज कोल्ड? हॉट और कोल्ड होता क्या है? अगर इंसान उसके सेंस ऑफ टच से पता करे, मान लो आपको बहुत देर तक किसी एसी गाड़ी में या एसी घर में जहाँ एसी अच्छे से चल रहा हो, अच्छे पॉइंट पे चल रहा हो, वहाँ पर बहुत देर तक आप अंदर घर में बैठे रहें और बाहर निकलेंगे तो कैसा लगेगा? गरम गरम लगेगा. जबकि पहले जब आप बाहर से आए थे तो गरम नहीं था. मतलब कोई चीज़ हॉटनेस उसकी और उसकी कोल्डनेस जो है रिलेटिव फिनोमेना है. उसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है ये हॉट एंड कोल्ड में, कि इसमें क्या होता है, इस एक्टिविटी में हमारे पास थ्री बॉल रहते हैं, ठीक है ना, हॉट वाटर, वार्म वाटर, हॉट वार्म और आइस कोल्ड वाटर, ठीक है ना. देखिए तीन इसमें एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, वो बता देता हूँ मैं आपको क्या है. उसमें इस तरीके से तीन बाउल रखे हुए हैं, मतलब तीन कटोरियाँ हैं जिसमें पानी है, ठीक है. इसमें ए, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, तीनों बाउल को. इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, मतलब ए में हॉट है और सी में कोल्ड वाटर है. जबकि बी में जो है दोनों का मिलाया हुआ, दोनों को मिक्स करके वाटर बनाया हुआ है, जो जिसको बोल देते हैं अपन वार्म वाटर. ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, वार्म है, ठीक है. अब क्या हुआ, अब आपको बोला गया कि सबसे पहले इसमें हाथ डाल के बताओ ये कैसा है वाटर. तब ऑफकोर्स वैसे भी हर कोई बोलेगा कि हॉट वाटर है, ठीक है. इसमें हाथ रख के बोला गया कि ये कैसा वाटर है, कि ये कोल्ड वाटर है, ठीक है, अच्छी बात. इसमें भी मान लो, अब हुआ क्या कि ये वार्म वाटर जो दोनों का मिक्स किया हुआ बीच में रखा था, तो पहले आप क्या करो, एक हाथ तो आप इस हॉट वाटर में, हॉट इतना भी नहीं रहना चाहिए कि एक हाथ जल जाए. अगर आप घर पे भी एक्टिविटी कभी करो तो आप करके देख सकते हैं कि एक तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, एक फ्रीजर में से ठंडा पानी ले लो. क्या करना है, एक हाथ तो ए वाले बाउल में रखना है, एक हाथ बी सी वाले बाउल में रखना है. मतलब एक तो हॉट वाटर में रखना है, कोल्ड वाटर में रखना है. दोनों हाथों को थोड़े से टाइम के लिए उसमें रखो, उसके बाद दोनों हाथों को निकाल कर इस वार्म वाटर वाले है ना जो दोनों का मिला हुआ पानी उसमें रखो. अब आप बताओ ये बीच वाला पानी कैसा दिखेगा या कैसा महसूस होगा, कैसा सेंस हो, आपकी स्किन को कैसा सेंस होगा? तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो हाथ आपका हॉट वाटर में था उस हाथ को तो ये पानी ठंडा लगेगा, और जो हाथ कोल्ड वाटर में था उस हैंड को ये हॉट लगेगा. मतलब रिलेटिव फिनोमेना, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, कि यहाँ पर जो हाथ हॉट वाटर में था उसको तो ये कोल्ड लगेगा कि हाँ ये ठंडा है, लेकिन जो हैंड आपका कोल्ड में था उसको ये वार्म लगेगा कि ये गर्म है. तो इसका मतलब आप समझ गए इस एक्टिविटी से, कि जो है किसी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस जो है उसका रिलेटिव फिनोमेना है ना. आप बहुत देर तक अगर गर्मी में कहीं बैठ के आए, बाहर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है वहाँ बैठ के आए, और आप एक एवरेज टेम्परेचर पे भी जाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा. सो वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. यानी हमेशा हम हमारे सेंस ऑफ टच पे विश्वास नहीं कर सकते कि पक्का अपन जो बता रहे वही सही है, कि यही सही, यही ठंडा है यही गर्म है. क्यों? आपको पता है जब किसी को फीवर आ जाता है तो उसको तो हर चीज़ ठंडी लगने लगती है, जबकि उस समय नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी को कुछ नहीं लगता है ना. तो इस तरीके से है. तो जब अपन सेंस ऑफ टच पे यकीन नहीं कर सकते तो हमको किस चीज़ पे यकीन करना चाहिए? तो ये जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है हॉटनेस और कोल्डनेस का, इस रिलेटिव चीज़ को नापने का एक जरिया है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूसन स्केल. ये सभी ने मिलके मान रखा है कि ये, हाँ एक इसको स्केल मान लेते हैं, ऑन सम चूसन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर किसको माना गया है? कि सभी ने मिलके, पूरे वर्ल्ड ने मिलके, सब वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, एक स्केल चूज कर ली कि हाँ अपन इससे मेजर करेंगे, इसको जीरो बोलेंगे, इसको 100 बोलेंगे, इसको 12 बोलेंगे, जो भी. सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूसन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. तो किसी चीज की डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस को नापने के लिए एक स्केल है जिसको सभी ने, चूसन स्केल है जिसको सभी ने माना है, उससे नापने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं टेम्परेचर.
टेम्परेचर अपने आप में कोई क्वांटिटी नहीं है, है ना। टेम्परेचर कोई रिलायबल चीज़ ऐसा नहीं है हकीकत में अपने सामने कि इसको टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर एक डिग्री को माना गया है जो रिलेटिव पोजिशन बताता है। कैसे, जैसे पहले आप देख लेते हैं कि टेम्परेचर यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस नापने के लिए जो यूनिट अपन जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। अब हम हर बार ये नहीं बोलेंगे कि ये हॉट है कि कोल्ड है, हम ये बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर हाई है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि टेम्परेचर हाई मतलब हॉट, टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड। तो इसका टेम्परेचर हाई है मतलब हॉट है, टेम्परेचर कम मतलब कोल्ड है। बार बार हॉट और कोल्ड नहीं बोलने वाले। नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर जनरली हम कौन सी ज्यादा यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। इस तरीके से एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट मतलब पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने कुछ यूनिट फिक्स कर रखी है, 8-9 एसआई यूनिट, उनको ही अपनों को सभी को मानना रहता है। बट अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से भी, जैसे हमने इंडिया में अधिकतर लोग डिग्री सेल्सियस में ही, अखबार में टेम्परेचर आता है डिग्री सेल्सियस में आता है ना, तो इंडिया में डिग्री सेल्सियस माना गया है, उसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसी तरह एसआई यूनिट जो पूरे वर्ल्ड के लोगों ने क्या मान रखा है, केल्विन। अब इस टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसा रहता है, थर्मोमीटर कुछ इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पर इस तरीके से, और उस पर यहाँ पर कुछ मेजरिंग पॉइंट। इस थर्मोमीटर के बीच में जो है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर कितने टाइप का होता है, क्या है। और तो ये जो थर्मोमीटर होता है, ये डिवाइस, ये टेम्परेचर मेजर करता है ना। टेम्परेचर का मतलब आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये रहना चाहिए, टेम्परेचर का मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, है ना। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। इसका नाम थर्मोमीटर क्यों पड़ा, क्योंकि थर्मो जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, थर्मो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हीट। थर्मो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, हीट। तो हीट को नापना है ना थर्मोमीटर। अब दुनिया में जितने भी नापने वाली चीजें सबके पीछे मीटर तो लगा हुआ है, आगे कई शब्द बदला हुआ है ना, फेदोमीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर। तो इस तरीके से थर्मोमीटर मतलब हीट को मेजर करने के लिए, ये थर्मो लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है हीट। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। अब यहाँ मेजर करने के तीन तरीके के यूनिट में थर्मोमीटर आते हैं। थ्री स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर, एक है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तीन तरीके से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इस सेल्सियस स्केल में क्या होता है, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जो है सेल्सियस स्केल जो है इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस। मतलब एक जो स्वीडिश एक कंट्री है, वहाँ का एक साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम है, स्वीडिश साइंटिस्ट। उन्होंने उन्हीं के नाम पर, स्वीडिश साइंटिस्ट, उनका क्या नाम था, एंडर्स सेल्सियस। तो उन्होंने इसका आविष्कार किया तो उन्हीं के नाम पर इसका सेल्सियस स्केल नाम पड़ गया, ठीक है। उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल किसने बनाया, एक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, उन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाया, ठीक है। और केल्विन स्केल क्या है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये केल्विन स्केल आपके कोर्स में नहीं है। आगे जैसे जैसे हायर क्लास में आप जाएंगे, केल्विन आपके अधिकतर ज़्यादा यूज में आएगा। अब ये जो है सेल्सियस स्केल, इसकी रेंज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल जो है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और अभी इसको अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है तो अपन इसको अभी डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो ये देखने वाली बात क्या है, सेल्सियस स्केल जो है 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री, इसमें ये दो दो फिक्स्ड पॉइंट तो हर थर्मोमीटर में रहेंगे। फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये नीचे नीचे यहाँ पर जीरो कहीं ना कहीं रहेगा अगर सेल्सियस स्केल की बात करें, और यहाँ कहीं 100 रहेगा। अब इसके बीच में टेम्परेचर मूव करेगा। अब 0 डिग्री क्या है कि ओशन लेवल पे है ना, सी लेवल पर, समुद्र के जो लेवल माना गया है अर्थ का, क्योंकि पानी हमेशा एक सही लेवल में रहता है ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। तो सी लेवल पर जाकर देखा कि जब पानी बर्फ बन जाता है तो उस टेम्परेचर को, जब वाटर कोल्ड होकर बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस माना गया है। और उसी सी लेवल पर अगर पानी इवोपरेट होके
वेपर बन जाता है, जब वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, उस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है सी लेवल पे। तो इस तरीके से दो फिक्स पॉइंट हो गए और इन्हीं के बीच में टेम्परेचर हम देखते रहते हैं। सेम इसी तरीके से फेरेनहाइट स्केल में सबसे लोअर पॉइंट 32 फेरेनहाइट माना गया है और सबसे अपर 212 फेरेनहाइट माना गया है। अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। इस सेल्सियस स्केल में 0 से 100 तक कितनी यूनिट होती है, बीच में उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं, जबकि केल्विन इसमें फेरेनहाइट स्केल में 32 से 212 तक 180 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखते हैं छोटे छोटे। इस तरीके से हमारा सेल्सियस स्केल और फेरेनहाइट स्केल, थर्मोमीटर जो रहते हैं दो टाइप के, ये टेम्परेचर मेजर करने में काम में आते हैं। अब इनके बीच में भी रिलेशन होता है कि जब डिग्री सेल्सियस को फेरेनहाइट में या केल्विन में या कैसे भी चेंज करना रहता है तो उसके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, आप ये नोट डाउन करें। और हाँ, आपको बुक, यू मस्ट गो थ्रू योर बुक्स लाइन बाय लाइन, आपको पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से घर पर बैठकर बुक पढ़ना है। यू हैव टू रीड योर बुक्स। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फेरेनहाइट स्केल, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फेरेनहाइट स्केल क्या दिया हुआ है रिलेशन? अपनों को बताया कि सेल्सियस स्केल जो 100 तक है तो सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस, ये कहाँ से स्टार्ट होता है 32 से, सो एफ माइनस 32 अपॉन 180, इनको ऐसे करके इक्वल किया गया है। अब इधर 100 और इधर 120 है तो इक्वल के दोनों साइड में इन्होंने क्या किया, 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 का मल्टीप्लाई करते ही सी अपॉन 5, यानी 20 से ये 5 टाइम्स ये चला जाएगा और 20 से 9 टाइम ये चला जाएगा। तो हमारा मेन रिलेशन करके क्या आता है, सी अपॉन 5 यानी सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू फेरेनहाइट माइनस 32/9। यहाँ पर सी जो है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल है और फेरेनहाइट क्या है, टेम्परेचर इन फेरेनहाइट स्केल। तो ये जो रिलेशन होता है इससे हम सेल्सियस को फेरेनहाइट में और फेरेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बॉय इज 98.6 डिग्री फेरेनहाइट, तो इसको सेल्सियस डिग्री फेरेनहाइट में चेंज करो। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, वी नो रिलेशन, रिलेशन क्या है हमारे पास, सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9, ये रिलेशन अपने को पता है। सो वी मस्ट पुट, अपने पास फेरेनहाइट कितना दिया हुआ है, फेरेनहाइट अपने पास है 98.6 है ना, डिग्री फेरेनहाइट कितना दिया है 98.6 डिग्री फेरेनहाइट। इस एफ की वैल्यू इसमें पुट करने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन द रिलेशन, सो वी गेट सी अपॉन 5 इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी दी है देखो, 98.6 माइनस 32/9। ठीक है, 98.6 में 32 जाएगा, कितना बचना है, सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 66.6/9। ओके, ये बचेगा। अब ये इधर डिवाइड में 5 पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो हमारा सेल्सियस डिग्री निकल के आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, ये 5 इधर जाके इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेल्सियस का 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेशन से, यहाँ पर हमने फेरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में 37, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरह फेरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फेरेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यू मस्ट गो थ्रू द बुक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं और उसके आगे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, ओके, बाय।